फ्रेंड्स आज हमने बनाए हैं दही भल्ले यानी कि दही वड़े। माउथ मेल्टिंग टेम्पटिंग दही वड़े सभी के बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि दही में डुबोने से पहले जब हम इसे पानी में सोक करते हैं तो इसका टेस्ट चला जाता है, ये टेस्टलेस लगते हैं। लेकिन आज हमने इसको पानी में बिल्कुल सोक नहीं किया है, तो क्या ट्रिक यूज़ किया है, किस तरीके से इसको बनाया है, तो देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए उड़द दाल यानी कि ब्लैक लेंटिल्स आधा कप, मूंग की दाल यानी कि येलो लेंटिल्स आधा कप, और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ राइस 2 टीस्पून। अब सभी को हम अच्छे से धो लेंगे, साफ पानी से धो लेंगे। 2 से 3 बार इसको धोना है, क्योंकि दालें जब हम धोते हैं तो उससे सफ़ेद पानी निकलता है, उसके ऊपर जो केमिकल पाउडर लगाया जाता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से धो लिया है हमने 3 से 4 बार पानी से। अब इसको हम सोक करने रख देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। अब 4 घंटे हो चुके हैं और दालें हमारी अच्छे से सोख हो चुकी है पानी में, तो चलिए इसको पीस लेते हैं। इसको पीसना होगा और इसका फाइन पेस्ट बनाना होगा। अगर पेस्ट बनाते समय पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट हमारा देखिए रेडी हो चुका है और हमने बहुत ही बारीक पेस्ट बनाया है दालों का। जब दालें बारीक पीसती हैं तो बहुत बढ़िया पेस्ट बनता है इसका। सभी दाल को हमने यहाँ पे पीस लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया पेस्ट बन चुका है दाल का। अब इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक डालना है। अब हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, लगभग 2 पिंच बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा देर तक मिश्रण को फेंट लेंगे तभी ये फ्लफी बन सकता है। तो हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया है और मैं इसको अच्छे से फेंट कर फ्लफी बनाने वाली हूँ अभी। और देखिए हमारा बैटर कितना बढ़िया फ्लफी हो चुका है। कढ़ाई को हमने पहले से ही गैस के ऊपर गर्म करने रख दिया है, उसमें ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे हम इन वड़ों को तलने वाले हैं। मैं हाथों से ही वड़े बना रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी ये वड़े बना सकते हैं। हमने गोल गोल वड़े बनाने हैं, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बस उसी तरीके से वड़ों को तल लेना है। और ख़ास ख्याल रखें कि आँच को आप मीडियम पे ही रखें, तभी ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पे हमने पहली बैच को डाल दिया है तेल में। अब 3 मिनट तक हम इसको ऐसे तलने के बाद धीरे धीरे गरम ऑयल वड़ों के ऊपर डाल देंगे चम्मच की सहायता से। 3 मिनट के बाद ही हम इसको फ्लिप करेंगे, धीरे धीरे फ्लिप करना है नहीं तो ये वड़े टूट सकते हैं। और इसी तरीके से सारे वड़ों को हम फ्लिप कर लेंगे। 2 से 3 बार उलट पुलट करने के बाद ये वड़े बहुत बढ़िया से फ्राई होते हैं फ्रेंड्स, और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। अब 2 से 3 बार इनको उलट पुलट करके हम तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन इन वड़ों को करना है, तभी ये दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। और देखिए हमारे वड़े बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, और इस तरीके से अगर हम फ्राई करेंगे वड़ों को तो ये ऑयल भी सोक नहीं करते हैं। चलिए वड़ों को निकाल लेते हैं ऑयल से, नज़दीक से दिखा देती हूँ कि कितने बढ़िया बन चुके हैं ये वड़े। इसी तरीके से हम दूसरी बैच को भी फ्राई कर लेंगे। और ये वड़े बनाने में बहुत ही आसान है, फटाफट फ्राई भी हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं। चलिए दूसरी बैच भी हमारी अब रेडी हो रही है। अब
इन वड़ों को भी हम ऑयल से निकाल लेंगे क्योंकि ये भी वड़े रेडी हो चुके हैं। और ये भी कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, देखते ही खाने का मन करता है। यहाँ पे हमारे सारे वड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बन चुके हैं, कितने फ्लफी बन चुके हैं। अब आप चाहे तो इन वड़ों को ऐसे केचप के साथ थोड़े से खा सकते हैं, लेकिन हम दही भल्ले बनाने वाले हैं तो सबसे पहले लेंगे हम बटर मिल्क। यहाँ पे मैंने डाइल्यूटेड बटर मिल्क लिया है 1.5 ग्लास, यानी कि गाढ़े बटर मिल्क को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया है। उसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून पाउडर शुगर। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून नमक मैंने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, शुगर और सॉल्ट को हमने मेल्ट कर लेना है बटर मिल्क के साथ। यहाँ पे पानी में वड़ों को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बटर मिल्क में वड़े भिगोने वाले हैं, वो भी 1 घंटे के लिए। तो इस तरीके से जब ये बटर मिल्क में भीगते हैं ना फ्रेंड्स वड़े, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पानी में अगर भिगो देंगे तो टेस्टलेस लगते हैं, लेकिन बटर मिल्क के साथ इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। 1 घंटा हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे बटर मिल्क के साथ। 1 घंटा हो चुका है और वड़े अच्छे से भीग चुके हैं, देख सकते हैं आप कि ये वड़े फूल भी चुके हैं हल्के हल्के और अंदर तक सॉफ्ट भी बन चुके हैं। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पे लिया है हमने दही, बिल्कुल गाढ़ा दही नहीं लेना है, डाइल्यूटेड दही लेना है। 200 ग्राम दही में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तड़का। ये तड़के के बगैर तो दही बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें मैंने यूज़ किया है ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, गार्लिक, ग्रीन चिली और थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स। अपने टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं तड़का। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर और थोड़ा सा नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है ताकि दही में भी थोड़ा सा नमकीन टेस्ट आए और दही अच्छी सी मीठी भी लगे। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। अब इसमें हम वड़े डालने वाले हैं, लेकिन डालते समय हम वड़ों को निचोड़ कर डालेंगे ताकि ये दही को भी एब्सॉर्ब करे। और जो बटर मिल्क में हमने वड़े रखे थे वो भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बन चुके हैं, लेकिन बटर मिल्क को हम निकाल देंगे वड़ों में से और डाल देंगे दही में। यहाँ पे हमें सारे वड़े निचोड़ कर डाल दिए हैं दही में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही का टेस्ट सभी वड़ों में अच्छे से आ जाए। और इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा हरी धनिया, क्योंकि हरी धनिया भी बहुत टेस्टी लगती है इसमें। लेकिन दही भल्ले जब ठंडे होते हैं तभी खाने में मज़ा आता है, तो इसको मैं अब फ्रिज में रखने वाली हूँ। लगभग 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में ठंडा करूँगी और उसके बाद इसको सर्व करूँगी। तो लीजिए, तैयार है खाने के लिए हमारे दही भल्ले। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर स्प्रिंकल करें थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर और रेड चिली पाउडर। दिखने में तो अच्छा दिखता ही है, खाने में भी इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी सजा दें और लीजिए, टेम्प्टिंग माउथ वाटरिंग दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनती है ये। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली बार फिर से मिलूंगी एक बढ़िया से नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।